तो हंस क्यों रहे हो? बोलो कबूल है। पर्दा उठाएं, पर्दा उठाएं, यूसुफ भाई पर्दा उठाएं। ये चीज कैसा सेट है बताएं? मारे सेल्फ मारे, हाँ इंजन ऑन करें, आप सेल्फ मारे, बिस्मिल्लाह मारे। ओहो क्या भाई, दस 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 दस। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू चैनल। भाई 9:15 बज रहे हैं सुबह के, और आप लोगों को मालूम है कि आज मैंने जाना है सबसे पहले अल्लाह का नाम लेके अपना पासपोर्ट यूके वालों को देने के लिए जाना है। दुआ कीजिएगा वीज़ा लग जाए, और इसका मोहम्मद अहमद का पासपोर्ट लेने के लिए जाना है। तो तैयार होते हैं भाई। सही है, मैं फजर के बाद से सोया ही नहीं था, मैं अपनी वीडियो एडिट कर रहा था क्योंकि रात में मैंने एडिट नहीं की थी, तो अभी मैंने एडिट भी कर ली, अपलोड के लिए भी लगा दी, और आज का दिन स्टार्ट करते हैं। आज के दिन के अंदर एक बहुत बड़ा किसी को सरप्राइज मिलने वाला है, इतना बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, और आप लोग रेडी रहें, बहुत मजा आएगा। सही है, तो दिन स्टार्ट करें आज। मुझे जो है ना किसी ने बताया कि आप जो है ना इसको कबूतरी को जो फीमेल है ना जो अंडे के ऊपर बैठी हुई है उसको अलग कर दो। तो अभी मैं सुबह सुबह बेगम के साथ आ गया हूँ, इसको हम जो है ना इस पिंजरे के अंदर कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, ताकि जो है और सुकून से प्याली के अंदर टंकी उनके डाल के दे रहे हैं, ताकि सुकून से वो अपने अंडों के ऊपर जो है ना बैठ सके। मुझे ये देखें भाई, इसको हम अलग कर रहे हैं, ठीक है। ये है डव, सही है। ये देखें भाई, ये बेगम के साथ सुबह सुबह सीन हो गया। ये देखें, ये बेगम ने अचानक चीख मारी, मैंने बोला क्या हो गया, तुमने डरा दिया यार। ये देखो बेगम, जो तुम उछली हो ना, तुमने मेरे ये सफेद शलवार कमीज के ऊपर भी उड़ा दी पार्टी। ये देखो ये क्या किया तुमने। हम समझे तीन अंडे हैं, लेकिन तीन अंडे के साथ साथ वो देखें एक अंडा वहां पे भी, चार अंडे हैं। ये लो भाई जाओ भाई। लेकिन अब एक कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा कौन सी फीमेल है, किसने अंडे दिए, कौन बैठी हुई, क्योंकि तीनों ही मिल मिला के ही बैठी हुई है, कुछ पता नहीं चल पा रहा भाई। हमने जो है ना फिलहाल इनको एक साथ ही रहने दिया, सही, क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा था, ऐसा ना हो कि हम जो है ना किसी मेल को उठा के जो है वो अलग कर देते, अंडों के ऊपर बैठा देते और फीमेल अलग रह जाती, तो इसकी मुझे जो है ना निशानी नहीं पता। सही, तो वो मैं किसी से पूछ के फिर कर लूंगा अलग। चले भाई, मैंने अपना पासपोर्ट भी ले लिया है, मोहम्मद अहमद की जो है ना रिसीव करने वाली स्लिप भी ले ली है, और अपनी जो है ना यूके की स्लिप भी ले ली है। अब मैं जा रहा हूँ, होल ट्रैफिक जाम है भाई, क्योंकि ऑफिस का टाइम है ना। ये देखें सब रश लगा, अभी सब ऑफिस पहुंच नहीं कर रहे होंगे, 9 से 10 बजे जो है ना पीक टाइम होता है, पीक टाइम। यार अब्दुल कबीर को जो है ना एलर्जी थोड़ी सी और बढ़ गई है, तो अभी जो है ना उसको भी डॉक्टर के पास लेके जाना है। आज उसकी थेरेपी भी थी, लेकिन वहां पर मैं उसको नहीं भेज रहा, उसकी ट्यूशन भी नहीं भेज रहा उसको मैं, क्योंकि उसकी स्किन के ऊपर एलर्जी फील हो रही है, और ज्यादा फील हो रही है। दुआ करें यार। मैं पहुंच गया हूँ क्लिफ्टन में, पंजाब चौरंगी के पास, वो सामने नजर आ रहा है आपका ऑफिस, वहां पर मैंने पासपोर्ट जमा कराना है, लेकिन एक भंड हो गया मुझसे। वो भंड क्या है, ईमेल के अंदर लिखा हुआ था कि आपने इस ईमेल की कॉपी लेके आनी, इट मींस के प्रिंट आउट भी लेके आना है, और वो प्रिंट आउट मैं नहीं निकाल सका। अब मैं यहाँ से दोबारा गाड़ी की पार्किंग यहाँ मिलती नहीं है, अब मैं दोबारा यहाँ से जाऊंगा, समझ नहीं आ रहा। अंदर जाके देखते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, अल्लाह करे कि कर दें, वरना फिर दोबारा बाहर निकलना पड़ेगा। अंदर जाता हूँ, मोबाइल वोबाइल सब जमा कर देंगे वो लोग, ठीक है, तो फिर मैं निकलूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा क्या हुआ। चले भाई गाड़ी लॉक कर लें। वैसे बहुत सारे आगे पीछे ऑफिसेज वाले सब कुछ जानने वाले होते हैं, लेकिन जब कभी आपको जरूरत पड़ेगी ना, उसी वक्त दिमाग में नहीं आएगा कि यार यहाँ पर मैं कहाँ से प्रिंट निकाल सकता था। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सिलसिला कुछ ये है कि आज जब अंदर गया तो पता चला यूके का तो ऑफिस ही बंद है आज, तो मैंने बोला क्यों भाई मंडे, तो उन्होंने बोला नहीं बस आज बंद किया हुआ है, इन्होंने ऑफ किया हुआ है, तो कल आप आएंगे, तो मैं कल सुबह आऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूँ मोहम्मद अहमद को पासपोर्ट लेने के लिए। चले भाई पासपोर्ट ऑफिस आ गए, ठीक है, गाड़ी बंद करते हैं, लेके आते हैं पासपोर्ट इंशाल्लाह। जो ना अलग अलग विंडोज होती हैं, सही, अलग अलग एरियाज की, जिस ऑफिस से आपने बनाया होता है उसकी विंडोज आपको मिलता है। वाह, अपनी वाली विंडो तो बिल्कुल खाली है भाई। चले भाई, बहुत वॉक करनी पड़ी भाई, गाड़ी बहुत दूर खड़ी की थी, अल्हम्दुलिल्लाह गॉट द पासपोर्ट। लेकिन इसके अंदर एक चीज बहुत फनी है, वो अंदर बैठ के बताता हूँ। बहुत शदीद गर्मी है, बहुत शदीद गर्मी हुई है कराची में। आजा आजा आजा। एंड द फनी पार्ट इज कि यार देखें मोहम्मद अहमद गंजा हुआ होता है इत्तेफाक से, मतलब जब पासपोर्ट बनाना था उससे कुछ दिन पहले ही गंजा हुआ मोहम्मद अहमद, ये एक बंड हो गया। वरना अगर उसके बाल होते ना तो बड़े अच्छे से माशाल्लाह कर्ली कर्ली बाल थे, तो वो उसके अंदर पिक्चर बहुत अच्छी आती। ये लीजिएगा भाई, शुक्रिया भाई। अब मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, जो अब्दुल बासित भाई के लिए हमने सरप्राइज लेना है। अब सरप्राइज क्या है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बाइक का एक मामला चल रहा था, ठीक है, वो बाइक का मामला मैं उम्रे पे चला गया था जिसकी वजह से रुक गया था, ठीक है। अब वो डिसाइड ये हुआ रात को कि हमारे जो सऊदी दोस्त हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, और बात ये हो रही थी, उन्होंने बोला अच्छा बासित बाइक ले रहा है, नहीं मैंने बोला हाँ, और आज हमने इवेंट के लेने के लिए जाना है। मैंने उनको ये भी बता दी कि आज हम लेने के लिए जा रहे हैं, और हमने ये सोच लिया था कि हम थोड़ा सा बजट बढ़ा के जो है ना 70 ले लेंगे, लेकिन न्यू ले लेंगे, सेकंड हैंड के चक्कर में पड़ेंगे, ठीक है। तो हमारे सऊदी भाई ने बोला कि यार एक काम करो, सुजुकी 150 ले लो उसके लिए। मैंने बोला अच्छा, उन्होंने बोला मेरी तरफ से गिफ्ट करो, लेकिन उसको बताना नहीं, सरप्राइज रहने देना, ठीक है। तो अब अब्दुल बासित को यही पता है कि आज रात में जो है ना हम लोग जा रहे हैं, सही है, मैं और अब्दुल बासित साथ, और बाइक लेने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और अभी मैं आ गया हूँ मार्केट, अकेला बाइक लेने के लिए मैं लूंगा, और उसके घर पे जाके जो है ना खड़ी कर दूंगा। जब वो ऑफिस से आएगा तो फुल लेवल का सीन होगा भाईजान, फुल लेवल का सीन। तो आप लोग सरप्राइज के लिए तैयार हैं,
सही है, बड़ा मजा आएगा आज की वीडियो में, बस आप लोग साथ में, गाड़ी पार्क कर रहा हूँ। असल में अभी हम लोग जो है ना अच्छे टाइम पे आ गए, थोड़ी देर बाद आते हैं ना यहाँ पे, तो आपको पता है बाइक चलाने की भी जगह नहीं होती, तो अभी मुझे गाड़ी की पार्किंग मिल गई है। अच्छा, सिलसिला ये है कि अब जो है ना दुकानें खुलना स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो मैंने जो है ना रेट मालूम करना है कि सुजुकी 150 का रेट क्या है, जहाँ पे हमें अच्छी प्राइस में मिली ना बाइक, हम वहाँ से बिस्मिल्लाह करेंगे। ठीक, बाय द वे एक बात बताऊँ आप लोगों को, सुजुकी 150 इज माय फेवरेट बाइक। सही, मुझे बड़ी मजेदार लगती है ना उसकी जो हाइट है बाइक की और उसकी जो स्पीड है। ये देखें भाई, ये जो अंकल साफ कर रहे हैं ना बाइक, यही बाइक लेनी है हमने अब्दुल बासित भाई के लिए। ना ये अंकल के पास ही चलते हैं, इनसे पूछते हैं बाइक कितने की है। अस्सलाम वालेकुम, अदर ये कितने की है? GS 150 न्यू है, बिल्कुल जीरो मीटर है। कितने की है ये? 3-10 की है। 3,10,000 रुपये। अरे हाय, लेकिन चीज़ है भाई जान लेवल की। ओह अच्छा, इसमें अलग अलग वेरियंट आते हैं, जैसे ये डिस्क ब्रेक वाला है, अलग अलग आते हैं? सिर्फ डिस्क ब्रेक वाला ही आता है। अच्छा, ये चेक कर लें भाई आप बाइक, फील करें, ओहो फील करें, जब इसके ऊपर बैठेंगे और चलाएंगे। पुराने मॉडल थे जिसके अंदर जो है ना डिस्क ब्रेक नहीं होता था, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि इसी तरह की रिम आती है इसकी, और जो है ना डिस्क ब्रेक के साथ ही आती है बाइक, क्योंकि जिसके प्राइस अच्छे होंगे अंकल मैंने उनसे ले लेनी है बाइक, मैंने लेनी है आज इंशाल्लाह। ठीक है भाई, आएंगे और कर देंगे कम। बंद है यार, खुली नहीं है, मतलब 150 कहीं नजर ही नहीं आ रही, 70 नजर आ रही है। यहाँ पे दोनों खड़ी हुई हैं, सही है, एक यामाहा भी है, सही है, लेकिन मुझे इसका लुक पसंद नहीं है। सही ना, मुझे नहीं पसंद, मुझे इसका पसंद है। कितने की है? 290 की है, रजिस्ट्रेशन के साथ चली हुई है। अच्छा अच्छा, नई कितने की चल रही है? बिल्कुल 3-10 की है, रजिस्ट्रेशन के साथ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारी खड़ी हुई है भाई, ये देख लें लाइन से खड़ी हुई है 150। भाई ये कितने की है? न्यू कितने की है? 3,05,000 की, रजिस्ट्रेशन के साथ। क्या हो जाएंगे फाइनल इसके बताएं? 3,00,000 की फाइनल हो जाएगी भाई। इन्होंने तो जो है ना 3,00,000 रुपए के रेट दे दिए। सही है, अभी दो दुकानों पे मैंने इससे पहले पूछे, किसी ने इतने अच्छे रेट नहीं दिए। अब जरा और दुकानें खुलने का वेट करता हूँ, ठीक है, इतनी देर में कुछ पी लेता हूँ। ये भैया चाय लेके जा रहे हैं, लेकिन चाय तो हम पीते नहीं, आप लोगों को बताया, तो हम कोई जूस वूस पकड़ते हैं अपने मतलब की चीज़। हाँ जो है ना ये देखें, खाने पीने का भी फुल सीन चल रहा है, सामने जो है वो बंद कबाब वगैरह चल रहा है, और अभी ये सदर की मार्केट खुलना स्टार्ट हुई है, ठीक है ना, थोड़ी देर में तो यहाँ पाँव रखने की भी जगह नहीं हुई। ये भाई दिल तो कर रहा है कि ये स्लाइस होनी चाहिए इस गर्मी के अंदर, लेकिन पानी ढूंढे, पानी किधर है? अस्सलाम वालेकुम, ये बिरयानी के लिए रायता, क्या बात है, छोटी बोतल है पानी की, निकाल दें यार अपने प्यारे हाथों से। ओह ठंडी तो नहीं है? ऐसे पहले दे ना, कल तो बंद छुट्टी थी, गर्मी बहुत है ना, गर्मी बहुत है, तो लग रही है यहाँ ठंडी मिल जाए। हाँ यार ठंडी है, उफ गर्मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वैसे अमूमन होता पता है क्या है, आपको इस तरह की दुकानों से चीज सस्ती मिलती है और ऑफिशियल आउटलेट पे चीज महंगी मिलती है, क्योंकि मार्केट में होता है कंपटीशन, कंपटीशन के चक्कर में ये लोग अपना प्रॉफिट मिनिमाइज कर देते हैं और बस अपनी चीज कैश करते हैं, तो ये सिलसिला होता है। लेकिन फिर भी हम तसल्ली करेंगे और सुजुकी के ऑफिशियल आउटलेट पे जाके मालूम करेंगे। अच्छा, अब सिलसिला कुछ ये है कि 90,000 रुपए में जो है ना बासित भाई ने बजट बना लिया था कि उन्होंने नई बाइक लेनी है 70, ठीक है, तो 90,000 रुपए बासित ही पे करेगा, जो रिमेनिंग अमाउंट है, डिफरेंस अमाउंट है, वो हमारे सऊदी भाई पे करेंगे। और ये सामने सुजुकी का ऑफिस, वहां चलता हूँ मैं, ठीक है भाई। यहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी की थी और मैं जा रहा था पैदल सुजुकी के ऑफिस में, एक भाई आया, उन्होंने बोला कि गाड़ी गलती से भी यहाँ पे खड़ी करके मत जाइएगा, यहाँ से शीशे निकल जाते, मेरा ऑफिस जो है ना ऊपर ही है, तो मैं अब जो है ना गाड़ी हटा रहा हूँ। उन्होंने बोला आप आ जाओ मेरे साथ, मैं आपकी गाड़ी लगवा देता हूँ। ये भाई ने जो है ना अपने ऑफिस की पार्किंग में ले आए मेरी गाड़ी और यहाँ पार्क करवा रहे हैं। चलें मैं अंदर जाता हूँ, फिर बाहर निकल के आपको बताऊंगा क्या सीन है। ये सीन ये है कि यहाँ पे इनके पास बाइक्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, तो उन्होंने बोला कि अगर आप हमसे बाइक लेते हैं तो आपको अगले महीने तक वेट करना पड़ेगा, जो हम कर नहीं सकते ऑब्वियसली, तो हम मार्केट से ही खरीदेंगे। वैसे एक बात है, बाइक ले भी ली तो अभी मैं लेके कैसे जाऊंगा, मैं गाड़ी में जाऊंगा या बाइक पे जाऊंगा, मैं तो ये भी सोच रहा हूँ। ओ भाई, अब सीन ये है कि मैं घर पे जा रहा हूँ, गाड़ी जो है वो घर पे खड़ी कर देता हूँ, क्योंकि वो भाई ने भी एक कान में बात डाल दी ना कि यार अब आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं करना वरना शीशे शीशे निकल जाते हैं, वो तो मेरा बंदा बाइक भी जो है ना सुकून से नहीं ले सकेगा, तो मैं जो है ना घर पे गाड़ी खड़ी करके आता हूँ, फिर सुकून से बाइक लेते हैं। मोहम्मद अहमद सो गया, बच्चे सोए होते हैं ना मजा नहीं आता। मेरा बेटा जाग रहा है, अब्दुल कबीर तो जाग रहा है, अब्दुल कबीर की तबीयत कैसी है? हाँ मेरा बेटा भाई, मैं घर पे आया, मैंने इन सबको पासपोर्ट दिखाया, सब यही बात के ऊपर हंस रहे हैं, बोला ये देखिए ये जो है ना गंजा हुआ था और इत्तेफाक से इसके बाद ही पासपोर्ट बना है इसका। अब्दुल कबीर का पासपोर्ट कहाँ है? पापा के पास है ना। हाँ भाई, अब सिलसिला ये है कि काफी सारे लोगों ने वीडियो के ऊपर कमेंट किया कि आप जो है ना उसके लिए टिंके रखें और बाउल के अंदर रखें, ताकि जो है ना अंडे उसके जाया ना हो, तो हमने रख दिया सेटअप, ठीक है मैं आपको बताता हूँ।
ये चेक करें भाई, ये सेटअप जो है ना हमने ऑलरेडी कर दिया है और ये आराम से सुकून से जो है ना बैठ भी गई है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को एक और चीज़ बताई थी कि घर पे किस चीज़ की तैयारी हो रही है, तो तैयारी क्या हो रही है उसकी एक झलक आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देख लें, ठीक है ना। अब ये क्या सिलसिला है ये मैं आपको बताता हूँ। बेगम आपने रख दिया वो बाउल के अंदर तिंग के, मैंने देखा बड़ा वीआईपी काम हो गया और वो बैठ भी गई है फाख्ता, फाख्ती फाख्ती बोलेंगे, फाख्ता बोलेंगे, फाख्ती बोलेंगे। अच्छा चले इसके अलावा, अच्छा अब जो है ना मैं देख के आया भाई छत पे तैयारी भी हो रही है। बेगम किस चीज की तैयारी हो रही है छत पे? मेरा वलीमा या शादी वगैरह दूसरी नहीं हो रही पक्की बात है। ये कौन आ गया, ये गन लेके कौन आ रहा है? मोहम्मद अहमद आ रहा है? नहीं 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 नहीं। चले भाई अब जो है ना मैं जा रहा हूँ बाइक लेने के लिए, आई एम सो एक्साइटेड भाई। भाई सदर में इस टाइम फुल ट्रैफिक चल रहा है, ये ड्राई फ्रूट लेके जा रहे हैं भाई, सही है। अच्छा अब सिलसिला ये है कि गर्मी है इस वक्त टाइट वाली, टाइट से भी टाइट वाली गर्मी है और कुछ पीने का दिल कर रहा है लिमका शिमका। अच्छा यहाँ कहीं साफ सुथरा मिलेगा नहीं, लेकिन आपके भाई के दिमाग में आया एक आइडिया, अब मैं आप लोगों को बता दूँ कि कहाँ से लिमका पीना है, अल्लाह करे वहाँ पे अवेलेबल। ये भाई यहाँ से गुजर रहे हैं हम लोग, सही है, हाशमी फोटोज वालों के पास रुकते हैं, सही है। ये लोग भी बोलेंगे यार ये सही है भाई, लिमका पीने के लिए आया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब भाई, खैरियत से ठीक ठाक हैं? यार वो एक जो है ना आज काम था, कैमरा नहीं चाहिए आज, लिमका पीना है वो आप। गर्मी बहुत हो रही थी टाइट वाली, मैंने बोला रुक जाओ। कैसे हैं सर आप, खैरियत से ठीक ठाक माशाल्लाह, आप कैसे हैं भाई? अच्छा अब ऐसा ना लोग बोले यार चले कैमरा नहीं लिमका पीने के लिए आ जाते आते। देखें ये सेटअप था जिसके लिए हम यहाँ पे रुके थे, सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मजा आ गया भाई। चेतन भाई ओके की रिपोर्ट है, हाँ बेहतरीन जबरदस्त, ठीक है भाइयों थैंक यू सो मच, सही है निकलेंगे अब काम पे, जजाकअल्लाह। ओके सर जी थैंक यू, नहीं नहीं बस जूस काफ़ी है, जूस पीते हैं। मार्केट हम पहुंच गए, ठीक है। अच्छा जहां से एक मरतबा आपने डीलिंग की हो ना और वो डीलिंग सही हो जाए ना आपकी, तो फिर कोशिश करनी चाहिए वहीं से ले लें बंदा बाइक, तो ज़्यादा अच्छी बात है। यहां से हम पहले जो है ना अबू के लिए बाइक ले चुके हैं, शायद आपने 6-8 महीने पहले वीडियो देखी होगी हमारी, तो हम इनसे भी रेट ले लेते हैं। सुबह में आया था यहां पे लेकिन जो है ना दुकान बंद थी, खुली भी नहीं। 150 या 150 अवेलेबल है। अच्छा छुपा के रखिए भाई, 150 अंदर छुपा के रखिए, ये चेक करें। क्या बात है अदान भाई, ओके की रिपोर्ट है बिल्कुल, है ना 0 मीटर सारी ओके होती है। वो अलग बात है कराची में चलाते हुए डर लगता है भाई। कितने की देनी है फिर ये बाइक आपने? बस ये रजिस्ट्रेशन के साथ आपको पड़ेगी 3,10,000। 3,10,000 भाई, ये तो आपने ना देने वाली बात कर दी, ऐसा नहीं देने वाली बात करें ना भाई। इनसे बात हुई अच्छी खासी बातचीत, तो इन्होंने बोला कि बस फाइनली जो है ना 3,00,000 रुपये में आपको दे सकते हैं, और उन्होंने बोला कि आप पूरी मार्केट घूम लें आपको 3,00,000 से 1 रुपये भी कम कोई नहीं देगा। यहाँ पे जब आप बाइक ओके कर देते हैं ना, तो इसके बाद जो है ना ये इसकी थोड़ी बहुत इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं, सही है, रेडी करते हैं इसको। रेडी के अंदर क्या आती हैं चीज़ें, ये देखें साइड ग्लास वगैरह लगाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बैटरी है इसकी, सही है, ये बैटरी इसके अंदर लग जाएगी और बाइक जो है ना सेल्फ स्टार्ट है। बाइक लेना इतना आसान नहीं होता है, सही है, अभी बैटरी वैटरी सब कुछ लग गया है, लेकिन अभी हम क्या लेने जा रहे हैं रोब साहब, पेट्रोल। चले भाई पेट्रोल पंप पहुंच गए हैं हम लोग, बिस्मिल्लाह करते हैं इसके अंदर, सही है, टंकी खुल रही है पहली बार, और ये कुछ शरबत पेट्रोल डाल रहे हैं इसके अंदर भाई हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहला पेट्रोल डल गया भाई इसके अंदर, सही है। चेक करें भाई आवाज़ चेक करें, वाह, किसी ज़माने में जो है ना 125 की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, सही है, लेकिन अब 125 जो है ना बदनाम ज़माना बाइक हो गई, सही है, अब जो है ना इसका ज़माना है, ऐसे ही भाई। ये भाई लाइटें शाइटें जला दी हैं, सब चेक कर लिया हमने इसका, ठीक है, ये देखें इंडिकेटर्स वगैरह भी। इस तरह गाड़ी लेते हुए जो है ना इंजन और चेसिस नंबर चेक करना पड़ता है ना, इसी तरह बाइक का भी चेक करना पड़ता है, ठीक है। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ कितना लिखा होता है भाई, ये देखें ये इसके ऊपर इम्बोस हुआ होता है, सही है ना, ये इसके ऊपर छपा हुआ होता है बिल्कुल ऐसे। भाई बाइक सिर्फ लेके जाना नहीं होता, सही है ना, जो स्टाफ आपकी ये सारी इंस्टॉलेशन वगैरह करता है ना उनको मिठाई भी देनी पड़ती है, बल्कि दुकानों में यहाँ पे कहीं ना कहीं पर्ची भी लगी हुई होती है कि भाई मिठाई दे दीजिएगा, सही है, तो मिठाई भी आप जो है वो 400-500 रुपये दे दिया करें, हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह दे दिए, सही है, ताकि स्टाफ भी जो है ना आपको दुआओं से नवाजे, ऐसा ना हो पीछे से बोले अबे यार पैसे भी नहीं चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहला सेल्फ, ये चीज मुझे इस बाइक के ऊपर बैठ के पता है क्या दिल कर रहा है कि डायरेक्ट चला जाऊं कश्मीर, निकल जाऊं। चले भाई जज़ाकअल्लाह, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, पैसे हमारे खाते में लिख दीजिएगा, ठीक है, चलो ना, नहीं गिरोगे? चले आ जाएगा
चले आप ना मेरे को टक्कर लगा दे यार। वैसे एक बात बताऊँ, जो थोड़े से टॉल लड़के होते हैं ना, जैसे 6 फीट के, सही है, जैसे आपका भाई माशाल्लाह, तो उनकी हाइट के हिसाब से जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है बाइक, सही है माशाल्लाह। और बैठ के जो है ना, मतलब ऐसा लग रहा है किसी चीज़ पे बैठे हो, जब आप इसको एक्सेलरेट करोगे ना, ओहो, अभी जब हम चलाएंगे ना तो आपको बताएंगे ये क्या सीन है। वाह भाई वाह, बहुत ज़बरदस्त राइड है भाई इसकी, बहुत ज़बरदस्त राइड है भाई। हमारे अब्दुल बासित भाई जो है ना बहुत खुश होंगे आज ये बाइक देख के। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अब्दुल बासित भाई भी सेफ रहें और बाकी तमाम लोग भी जो बेचारे अनसेफ रहते हैं इस तरह के इंसिडेंट से, सेफ रहें सब। बेगम गई हुई है अब्दुल कबीर को लेके डॉक्टर के पास, ठीक है। तो मैंने बेगम को कॉल की, मैंने बोला कहाँ पे, वहीं पे रुको हॉस्पिटल में, मैं आ रहा हूँ। बेगम को सरप्राइज देते हैं और आज जो है ना अब्दुल कबीर को इस नई बाइक के ऊपर जो है ना एक राउंड खिलाते हैं। सामने से बेगम आ रही है अब्दुल कबीर को लेके। कैसे हो आप? कैसे हो पापा? किस पे आए हैं? कौन बैठेगा बाइक पे आगे मेरे साथ? आ जाओ बैठो, बैठना है आपको बाइक पे, बैठना है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाइक पे बैठ के कैसा लगा आपको? अच्छी बाइक, अच्छी। बेगम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, एंजॉय कर रहे हैं हम, सही, अब्दुल बासित की बाइक पे हम मजे ले रहे हैं। वाह भाई वाह, देखें भाई आप लोग, ये जो है ना बिल्कुल तैयार होने वाला है फ्लावर्स से, जितने भी लगे हुए हैं ना ये आर्टिफिशियल लगे हुए हैं, सही है ना, ये सारे आर्टिफिशियल हैं, ये जब काम खत्म हो जाता है ये निकाल के ले जाते हैं। तो भाई सिलसिला ये है कि हमारे घर पे आज जो है वो एक फैमिली गैदरिंग है, ठीक है, तो जिसमें मेरे दोस्त भी आएंगे, अब्दुल बासित ने भी आना है आज मेरे घर पे, आमिर ने भी आना है, दोस्तों ने आना है, तो हम वो सरप्राइज आज अपने घर पे यहीं पे देंगे नीचे जाके। भाई देखिए हमें कुछ नहीं मिला, हम घर से जो है ना बेडशीट ही उठा के ले आए हैं, सही है, और इसके ऊपर हम डाल लें ताकि अब्दुल बासित भाई को पता ना चले कि क्या सीन है, क्या सरप्राइज है यहाँ पे। भाई अब जो गैदरिंग थी ना, वो गैदरिंग क्या थी वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी जी आप कैरी ऑन कैरी ऑन। तो हंस क्यों रहे हो? बोलो कबूल है, कबूल है, सही, मतलब लोग बोलेंगे निकाह भी कबूल है, हंसते हुए बोलेगा ये बंदा। चले खुशी है, चले दो बार और, दो बार और पढ़े इनको क्या पता, ये भी पता। ये ले भाई, ये देखें भाई, आप लोगों ने जो है ना शादी के जो है ना निकाह के छुआरे खाए होंगे, इसके अंदर, इस निकाह के अंदर भी जो है ना अजवा खजूर जो है ना मिल रही है, देखें भाई वो भी नायाब वाली, क्या बात है। वैसे अब्दुल वासी असली में आपको तो नहीं लग रहा कि शादी हो रही है ना? ये देखें भाई यहाँ पे जो है ना हमारी, जो मैंने आप लोगों को बताया था, माशाल्लाह गैदरिंग चल रही है, ठीक है, और अब डिनर का टाइम है। ये हमारे सारे स्कूल के दोस्त हैं, इनसे सबसे मैं आपको मिलाता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी जो है ना ये दिखाता हूँ। ये देखें सैंपल, यहाँ बीफ बिरयानी चल रही है और ये जो है ना अलग से अपने लिए जो है ना बर्गर लेके आया है। वाह भाई वाह, यूसुफ भाई वाह। ये देखें भाई दावतें आपने बहुत सारी देखी होंगी, सही है ना, मीठे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह अजवा चल रही है। भाई देखें हमने जो है ना पहले हेल्थ का बहुत ख्याल रखा, हमने बोला कि पानी पिलाएंगे बिरयानी के साथ, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाएंगे, लेकिन अब्दुल बासित भाई का ऐसा चेहरा बन गया तो हमने बोला रहम आ गया, हमने बोला चले कोल्ड ड्रिंक मंगा देते हैं, स्पेशली मंगाइए ले अब्दुल बासित, काफ़ी आपके लिए। भाई अभी जो है ना असल में जो हमारी गैदरिंग थी वो ख़त्म हो गई थी, तो अभी जब गैदरिंग ख़त्म हो जाती है ना, इसके बाद दोस्तों की जो है ना असल तफरी वगैरह स्टार्ट होती है, ठीक है। मैं आपको अपने जो है ना स्कूल के दोस्तों से मिलाता हूँ। ये हमारे अयाज भाई हैं, अयाज भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक है माशाल्लाह। ये तो आमिर भाई, इनको आप देखते रहते हैं, सही है। ये हमारे बासित भाई हैं, ये एक्चुअली स्कूल के दोस्त नहीं है, ऑफिस के दोस्त हैं, ठीक है। चलो बेटा शाबाश, चलो बेटा शाबाश। ये हमारे अब्दुल कादिर भाई हैं, ये हमारे नुमान भाई हैं, ठीक है, और ये तो बच्चा ही कहाँ से आ गया बच्चा, ये हमारे साजिद भाई हैं, ये हमारे नहीं है, हाँ ये हमारे दोस्त नहीं है। मैंने आप लोगों को बोला था कि हम जो है ना इस वीकेंड पे जो है ना फार्म हाउस का प्लान करें, ठीक है, तो फार्म हाउस का जो है ना हम अब सोच रहे हैं हमारे सारे स्कूल के दोस्तों को लेके जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम है जिंदगी में बहुत सारी दोस्तियां होती हैं, लेकिन जो स्कूल के दोस्त होते हैं ना, ओहो वो एंड होते हैं। क्यों भाई ऐसा ही है? बहुत हम लोग इंजॉय करते हैं, हालांकि हम बहुत बहुत टाइम बाद मिलते हैं, लेकिन जो है ना बहुत इंजॉय करते हैं। तो देखें इंशाल्लाह अगर इस वीकेंड का फार्म हाउस का प्रोग्राम बनाना तो बहुत मजा आएगा। बस भाई आप जा रहे हैं फिर माशाल्लाह, सही है, मजा आया आपको, निकाह होगी आपका, खुश हैं आप, सही है। नहीं अब जो है ना असल सरप्राइज जो है ना आज की वीडियो का जो है ना अभी बाकी है, आपके भाई ने अपने लिए कोई चीज ली है, दिखा दो मैं आपको। भाई जान ये पर्दा उठाएं, पर्दा उठाएं, पर्दा उठाएं, यूसुफ भाई पर्दा उठाएं, ये चीज कैसा सेट है बताएं, हैं मजेदार है, पर्दा तो हटाए ना सही से इसका यार, कपड़े तो हटाए ना आराम से, देखें वो बंदा हुआ है। अब बताओ लेवल की चीज है माशाल्लाह या नहीं? ये माशाल्लाह वीआईपी बिल्कुल टिप टॉप। अच्छा आपकी बाइक किधर पुरानी वाली? भाईजान ये सेटअप आपका है, ये सेटअप आपका है भाईजान, आपके लिए लेके आए हम। हाँ हाँ मजाक नहीं कर रहे। अच्छा नहीं अभी इंस्टॉलमेंट कहाँ से दूंगा, 10 साल तक दूंगा? नहीं नहीं इसकी इंस्टॉलमेंट आपको नहीं दे रही भाईजान। आपके पास कितने 90,000 रुपए पड़े थे बाइक के लिए? 70 के लिए रखे थे ना आपने? 90,000 रुपए रखे थे, नई बाइक चाहिए थी 70, हम लेने जाने वाले थे, हम नहीं गए। डिफरेंस अमाउंट हमारे सऊदी भाई ने बोला, हमारी तरफ से गिफ्ट है।
अब तो यकीन आ गया तुमको? नहीं, सऊदी भाई का जिक्र आ गया तो हो सकता है। हाँ तो बस ये भाई, अब आपको एक मिनट, अभी हम आपको यकीन दिलाते हैं। ये देखें, ये इसकी फाइल देख लें, यकीन कर लें आप। खोलें 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 खोलें, खुशी देखें अब्दुल वासित भाई की। अच्छा अभी तक ये जो है ना यकीन नहीं कर रहे, हो सकता है ये बोल रहे कि पता नहीं क्या कर रहा है ये बंदा। ये देखें, देख लें नंबर मिला लें, चेचिस वेचिस ये देख लें। हाँ 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 मेरे नाम पर ये। अच्छा हाँ, सबसे बड़ी मजे की बात ये किसके नाम पर रसीद कटी हुई है देखें। मेरे नाम बस, तो अभी पैसे भी तुमने देने, कल जाके दे देना। क्या कहेंगे आप सीरियसली भाईजान, ये बाइक आपके लिए। और बताऊं भाईजान, आप लोगों को बता दूं मैं कि सीन ये था कि हमारा डिसाइडेड ये था कि आज हम जाएंगे 70 लेने के लिए, ठीक है। परेशान भी हो रहा था कि तुम्हारी आज कॉल क्यों नहीं है। हाँ, इसीलिए मैं बिल्कुल खामोश हो गया। हम लोग जो है ना लगे हुए थे अपने कामों में। कल रात को हमारे सऊदी भाई ने जो है ना वीडियो वगैरह देखी थी, बोला अच्छा अब्दुल वासित के लिए बाइक लेनी नहीं, तो उसने बोला क्या मेरी तरफ से गिफ्ट कर दो। मैंने बोला नहीं, ऑलरेडी 70 ले रहा है। उन्होंने बोला नहीं, 70 नहीं, लेवल की कोई चीज़ जो है ना आप गिफ्ट करें। तो मैंने बोला ठीक है भाई, ये उनको मैंने दिखाया, उन्होंने बोला भाई ले लें जाके आज सुबह। तो हमने ले ली भाई जान, एंड बाइक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको नसीब करे ये, ठीक है। ये इसकी चाबी है, ब्रांड न्यू बाइक आपके लिए, ठीक है। अच्छा हमने ऐसे नहीं छोड़ना है भाई जान, हमने जो है ना बहुत लेवल की ट्रीट देनी। अच्छा भाई जान, पुरानी बाइक का क्या? अब तो आपको लेवल की बाइक मिल गई इंशाल्लाह, पुरानी बाइक का क्या होगा? पुरानी बाइक जो तुम माशाल्लाह एक अच्छी डीट के लिए कर रहे थे, तो मेरी तरफ से। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो, मतलब वाह भाई, इस पे तो 25,000 रुपए बच गए। इस पे बनता है ना। अब आप बैठे जरा, बिस्मिल्लाह करें। आप सेल मारे, बिस्मिल्लाह मारे। ओहो क्या भाई, 10 10 10 10 10 10 फायर करें। अब इस बाइक पे बैठ के जो है ना सऊदीया से आया है, टमाटर के फ्लेवर का रानी जूस। नहीं, ये वरना बेटा दे दो चाबी, वरना दे दो, ये लो बेटा, खुशी में सब चलता है, खुशी में। यार सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सऊदी भाई का, हमेशा माशाल्लाह से वो हमेशा हमारा बहुत ख्याल रखते हैं और सरप्राइज देते हैं। हाँ, अचानक सरप्राइज कुछ ज्यादा ही चाहिए तो। ये इनकी मोहब्बत है आपके लिए, सही है जो उन्होंने गिफ्ट दिया। बोले हाँ बाइक पे नहीं गिरना चाहिए। हाँ बाइक पे नहीं गिरेगा। अच्छा लगा, सच सच बताना, दवाई नहीं पी रहा भाई खांसी की? नहीं पी सकता यार। नहीं, सच में कड़वा है? नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। सही है आमिर भाई, सबसे पहले टेस्ट राइड मारेंगे इसके ऊपर 150 के ऊपर। ये चीज आमिर भाई, ये चलाने के बाद क्या तासुरात है, कहाँ चलानी चाहिए? सीधा निकल जाओ लेके पाकिस्तान टूर, है ना, ये पाकिस्तान टूर की चीज है भाई, ये पाकिस्तान टूर की चीज है। पहला राउंड लेके आए, अल्लाह पाक आपको मुबारक करे ये बाइक, और हिफाजत के साथ आप हमेशा इसको चलाएं। पहली बार आगे चलते हुए देखें बाइक की, है ना। सही बात है। जी अब्दुल वासित भाई, लेवल है कि नहीं है? माशाल्लाह है ना, चलें भाई बेहतरीन हो गया। ये आज का जो है ना सरप्राइज था आपके। रात का बज रहा है 2, ठीक है, और अभी जो है ना फाइनली मैं फारिग हुआ हूँ सही, सारी चीज़ों से। दोस्त चले गए थे, अब बेगम के साथ कुछ जो है ना पूरे दिन की चीज़ें वगैरह हम लोग शेयर करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, बातें करते हैं, थोड़ी सी तफरियाँ करते हैं, इसके बाद सोते हैं। क्या खिला रही है बेगम, बताओ ज़रा मुझे। बेगम खिला रही हैं एम सुलेमान मिठाई वाले का खाजा। इसको ज़रा खोलें, ज़रा इसको खाजा, पता है क्यों बोलते हैं इसको खाजा? इसीलिए बोलते हैं ताकि हम इसको खा जाएं, सही है ना, आसरा नहीं करें, बिल्कुल भी आसरा नहीं करने का होगा। ये चेक करें भाई, ये चेक करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई होपफुली आज की वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी, बहुत मजा आया, और सबसे बेस्ट पार्ट वो था जो अब्दुल वासित भाई अपनी नई बाइक लेके गए, ठीक है। तो थैंक्स टू आवर सऊदी ब्रदर, आवर सऊदी फ्रेंड, सही है, जो आप लोगों आपने इतना जबरदस्त सरप्राइज अब्दुल वासित भाई के लिए अरेंज किया, ठीक है। तो अब मैं जरा बेगम को भी थोड़ा सा टाइम दे दूँ, ठीक है भाई, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।